उसने कहा पीछा तो नहीं करोगे? मैंने कहा पलट के भी नहीं देखूंगा। उसने कहा इतना घमंड? मैंने कहा इज्जत, वो भी खुद की। जो जाने जाते हैं अपनी बहन की वजह से, लेकिन उनके अंदर भी टैलेंट कम नहीं है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी एनर्जी है कि उस एनर्जी को देखकर बड़े बड़े दंग रह जाते हैं। मात्र 14 साल की उम्र में इन्होंने 12 से ज्यादा सीरियल, 2 फिल्में और ना जाने कितने कमर्शियल एड्स कर चुके हैं और सोशल मीडिया पे भी अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। जिन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि मैं बनूंगा तो सिर्फ और सिर्फ हीरो, जिसकी शुरुआत उन्होंने महज 4 साल की उम्र में कर ली थी। जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है द वेरी टैलेंटेड एक्टर, डांसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड फिटनेस फ्रीक आयान जुबैर रहमानी। आज के इस वीडियो के थ्रू हम आयान जुबैर की लाइफ स्टोरी के थ्रू उनके लाइफ के बहुत ढेर सारे अनसुने राज जानेंगे और जानेंगे उनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसके लिए आई एम वेरी श्योर कि आप नहीं जानते होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे लायक नहीं हो, हम तुम्हें देखना नहीं चाहते। अरे माइंडलेस पर्सन, ट्रेंडिंग में तो हम ही घूम रहे हैं, अब इंस्टाग्राम डिलीट कर दोगे क्या? और पीछे पीछे तुरती या फेमस कल आउंगा। 12 अगस्त 2007 में आयान का जन्म मुंबई में हुआ है। भले ही इनका जन्म मुंबई में हुआ है, लेकिन इनका होम टाउन लखनऊ है। इनकी फैमिली में इनके पापा, इनकी मम्मी और इनकी बहन, ये 4 लोग हैं। जहाँ पापा का नाम अहमद जुबैर रहमानी है, वहीं मम्मी का नाम नाजीम जुबैर रहमानी है और इनकी बहन जिनका नाम जन्नत जुबैर रहमानी, उन्हें भला कौन नहीं जानता है, जिन्हें ये प्यार से अप्पी कहकर बुलाते हैं। वो एक फेमस एक्ट्रेस के साथ साथ एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिनके इंस्टाग्राम पर लगभग 40 मिलियन फॉलोवर्स है। अगर ओवरऑल इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनकी फैमिली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका कारण ये है कि ये लोग मम्मी पापा और भाई बहन से ज्यादा एक फ्रेंड के तरीके रहते हैं और आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। ये लोग हमेशा अपने आइडियाज और विचार एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। शायद यही कारण है कि जन्नत और आयन इसीलिए अपने हर इंटरव्यूज में ये कहते हैं कि आज हम लोग जितने भी सक्सेस हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमें इतना समझते हैं और हर टाइम हमें सपोर्ट करते हैं। आयान की अगर स्कूलिंग की बात करें तो ये मुंबई के ऑक्सफोर्ड वेस्ट कांदीवली स्कूल में पढ़ते हैं और ये इस टाइम 8th क्लास में है और इज अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। ये पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर हम इनके एक्टिंग करियर की बात करें तो इनका एक्टिंग का करियर स्टार्ट होता है मात्र 4 साल की उम्र में, जब इन्होंने सियासत टीवी सीरियल से अपना डेब्यू किया था। इनके पापा बताते हैं कि जब मैं लखनऊ से मुंबई शिफ्ट हुआ था तो मैं बहुत सपने लेकर आया था कि मैं एक्टर बनूंगा, लेकिन मैं एक्टिंग की दुनिया में कुछ खास काम कर नहीं पाया, जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं अपने बच्चों को जरूर एक्टर बनाऊंगा, जिसके लिए मैं जन्नत को भी बहुत छोटी सी उम्र में ऑडिशन दिलाने ले जाता था। जन्नत को भले ही थोड़ी सी पहले दिक्कत हुई, लेकिन बाद में उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन आयान बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट था। जब भी मैं उसे ऑडिशन दिलाने ले जाता था तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली ऑडिशन देता था। शायद यही कारण है कि सियासत में भले ही उसने छोटा सा रोल किया हो, लेकिन जब जोधा अकबर में उसे सलीम का रोल करने का मौका मिला तो उस सलीम के रोल से उसने सबका दिल जीत लिया। जिसके बाद इनको 2015 में अशोका, 2016 में संकट मोचन महाबली, 2017 में पेशवा बाजीराव और 2018 में चंद्रशेखर जैसे सीरियल में लीड रोल करने का मौका मिला। अरे यार चंदू, ये क्या शर्त लगा ली यार? इनका शरीर देखा है, दबके ही मर जाएंगे। जो डरते नहीं वो मर भी जाए तो मरते नहीं। इसके बाद इन्होंने ये तेरी गलिया जैसे शो में भी काम। जब ये 6 साल के थे तो इन्होंने शैतान मूवी में कल्कि के बचपन का रोल प्ले किया और वॉर मूवी में टाइगर श्रॉफ के बचपन का रोल प्ले किया। जब इन्होंने 2019 में गली बॉय में आलिया भट्ट के भाई का रोल प्ले किया तो मानो एक्टिंग की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम ही बना लिया। लोगों ने इन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है और अभी हाल में इन्होंने पापा एल्बम सॉन्ग किया जो बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है। इन्होंने ना जाने कितने कमर्शियल एड्स किए और इन्होंने शाहरुख खान के साथ भी एक कमर्शियल एड में काम किया है। अगर आयान के सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स की बात की जाए तो आयान के इंस्टाग्राम पर 2.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं। इनके सोशल मीडिया पे आने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उस टाइम टिकटॉक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, ये हमेशा टिकटॉक देखा करते थे और इनको बहुत ज़्यादा फनी भी लगता था और बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग भी। तो ये जन्नत से कहते थे कि अब भी आप टिकटॉक वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं, बहुत मज़ा आता है टिकटॉक वीडियो बनाने में।
जन्नत उस टाइम टीवी सीरियल कर रही थी और टीवी सीरियल करके वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी, लेकिन आयान का मन रखने के लिए वो टिकटॉक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। जन्नत जब टिकटॉक वीडियोस बनाती थी तो ये सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फेमस होने लगी। अब तक ये सिर्फ टीवी पे फेमस थी, लेकिन अब ये सोशल मीडिया पे भी बहुत तेज़ी से फेमस होने लगी। ये टिकटॉक की ऐसी पहली इन्फ्लुएंसर थी जिन्होंने 10 मिलियन फॉलोवर्स का आंकड़ा पार किया था। इसके बाद इन्हें कई एल्बम सॉन्ग मिलने लगे और सोशल मीडिया की दुनिया में भी ये अपार सक्सेस पाने लगी। यही कारण था कि आयान को ये अपना ये लकी चार्म बताती हैं, क्योंकि जन्नत कहती हैं कि मुझे सोशल मीडिया पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा भाई आयान ही था जो मुझे सोशल मीडिया पे लेके आया। और आयान कहते हैं कि पहले टीवी सीरियल की वजह से अब भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी, लेकिन सोशल मीडिया पे आने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे और हम लोग की बॉन्डिंग और ज़्यादा अच्छी हो गई। तो चलिए आयान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि जन्नत आयान की सगी बहन है, लेकिन अनुष्का को भी आयान बहुत ज़्यादा मानते हैं। अनुष्का को अपनी बहन मानते हैं और अनुष्का हमेशा राखी पे आयान को राखी बांधती है। इनका फेवरेट कलर व्हाइट है और इन्हें चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। और इनके बेस्ट फ्रेंड का नाम है वरुण बुद्धा देव, जिसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा रील्स वीडियो बनाते हैं। इन्होंने बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड भी जीत रखा है। तो चलिए ये छोटी सी वीडियो थी आयान जुबेर रहमानी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इनके बारे में आप कुछ और भी जानते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इस वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और एक शेयर। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।